हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूर किसी गांव में मोनिका नाम की एक लड़की अपनी माँ कस्तूरी के साथ रहती थी। मोनिका को गर्मियों में जैकेट पहनने का शौक था, चाहे कितनी भी गर्मी हो। मोनिका को तो जैकेट पहननी है तो मतलब पहननी है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मौसम कैसा है। और मोनिका के स्टाइल को देखकर सब कई बार उसका मजाक उड़ाते। एक दिन मोनिका की सहेली के घर पे पार्टी थी, जहाँ पर मोनिका और उसकी सहेली शालू के सभी स्कूल के साथी कई सालों बाद मिल रहे थे, और मोनिका भी कई सालों बाद उनसे मिलने जा रही थी। अब मोनिका अपनी सबसे अच्छी जैकेट पहनकर शालू के घर जाती है, पर उस दिन बहुत गर्मी थी और सभी लोग गर्मियों में हल्के कपड़े पहनकर आए थे। बस मोनिका ही सबसे अलग कपड़ों में थी, जिसे देखकर शालू कहती है, अरे ये क्या मोनिका, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और तू ये जैकेट पहनकर घूम रही है, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? नहीं यार, ये तो आजकल का स्टाइल है, चल जाने दे ये सब बातें। ये बता और कौन कौन आया है पार्टी में? अरे आज स्कूल के सभी लोग आ रहे हैं, बड़े दिन बाद आज हम सब लोग मिलेंगे एक साथ, कितना मजा आएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब से स्कूल पूरा हुआ है तब से किसी से भी मिल नहीं पाए हैं और ना ही बात कर पाए हैं, आज तो जमकर पार्टी होगी। हाँ जरूर, चल अंदर चलते हैं, देखे तो कि कौन कौन आया है पार्टी में। इतना कहकर दोनों अंदर चली जाती है, और अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि मोनिका को इतनी गर्मी में जैकेट में देखकर हैरान थे, क्योंकि सभी ने गर्मियों के मतलब के हल्के कपड़े पहने थे, सिर्फ मोनिका ने जैकेट डाली थी। ये देखकर सब उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, पर इससे मोनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसके बाद मोनिका का एक स्कूल फ्रेंड संजय मोनिका से कहता है, अरे वाह मोनिका, तुम्हारी ये जैकेट तो तुम पर बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ा ही हटकर है तुम्हारा स्टाइल तो। सच में तुम्हें ये पसंद आई? एक मिनट, तुम संजय हो ना, लास्ट बेंच पर जो बैठते थे? हाँ मोनिका, तुमने सही पहचाना, मैं वही संजय हूँ। यार तुम तो काफी बदल गए हो और पहले से ज्यादा हैंडसम भी हो गए हो। पर यार तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी उतनी ही सुंदर दिखती हो जितनी पहले दिखती थी। संजय का तारीफ करना मोनिका को अच्छा लगता है, और पूरी पार्टी में दोनों साथ में रहते हैं। अब धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से बातें करना पसंद आता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और हर रोज ढेरों बातें करने लगते हैं। अब लगातार ऐसी मुलाकातें बढ़ती जाती हैं, और एक दिन संजय मोनिका को अपने दिल की बात कहता है, मोनिका मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारा ये गर्मी में जैकेट पहनने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तुम सबसे अलग हो इसीलिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो कब से तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रही थी, अब तुमने ये पूछ ही लिया है तो मैं भला मना कैसे कर सकती हूँ। सच मोनिका, मतलब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? हाँ बाबा बिल्कुल, सच में मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, आखिर इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मुझे कहाँ मिलेगा। तो बताओ कब करें शादी? जब तुम कहो, मेरा मतलब जब तुम अपने घर वालों को मेरे घर ले आओ मेरा हाथ मांगने के लिए। संजय के प्रपोज करने पर मोनिका शादी के लिए हाँ करती है। कुछ दिनों बाद संजय अपनी माँ के साथ मोनिका के घर उसका हाथ मांगने आता है, और अच्छा परिवार देखकर मोनिका की माँ भी शादी को हाँ करती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी का दिन आता है, जहाँ शादी में भी मोनिका अपने लहंगे के ऊपर अपनी जैकेट पहनकर आती है। ये देखकर मोनिका की माँ कस्तूरी मोनिका से कहती है, ये क्या पहन लिया, कम से कम अपनी शादी के दिन तो इस जैकेट को उतार दे, सब क्या बोलेंगे, शादी के दिन भी देखो इसने लहंगे के ऊपर जैकेट पहनी हुई है, अरे पागल कहेंगे सब तुझे, समझी? कहने दो माँ जिसको जो कहना है, पर मैं तो अपनी जैकेट पहन कर ही ससुराल जाऊंगी। इतना कहने के बाद मोनिका चुप हो जाती है और उसकी माँ कस्तूरी वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटों में मोनिका और संजय की शादी संपन्न होती है, और अब मोनिका का ससुराल में गृह प्रवेश था, और उसकी सास कमला दरवाजे पर खड़ी थी, हाथों में पूजा की थाली लिए, और अपनी बहू की जैकेट देखकर कमला कहती है, अरे बहू इतनी गर्मी में तूने ये क्या पहन रखा है, तुझे गर्मी नहीं लग रही? माँ जी ये जैकेट है और मुझे इसमें कभी गर्मी नहीं लगती। अब मोनिका का उसके ससुराल में आगमन होता है। अब मोनिका
हर रोज सूट तो कभी साड़ी पर अलग अलग तरह की जैकेट डालती। कुछ दिनों बाद जून का महीना आता है और गर्मी अपना खूब कहर बरसा रही थी। सब लोग हल्के हल्के कपड़े पहनने लगे, लेकिन मोनिका का जैकेट पहनने का शौक नहीं जाता। यहाँ तक कि उसे गर्मी भी बहुत लगती थी कि उसका स्टाइल खराब ना हो जाए, इसलिए वो जैकेट नहीं उतारती थी। जिसके चलते एक दिन मोनिका की सास उससे कहती है, अरे बहू ये क्या, इतनी गर्मी में भी तूने अपनी ये जैकेट पहन रखी है, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? अरे नहीं माँ जी, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, और वैसे भी मैंने ये जैकेट बड़ी मुश्किल से इस ड्रेस पर मैच करके पहनी है। हे भगवान, क्या अजीब लड़की है, इतनी गर्मी में भी जैकेट पहनने का शौक है इसे। मुझे क्या है, तबीयत खराब होगी तब पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला माँ जी। इतना कहकर मोनिका की सास वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोनिका कहती है, हाय राम, मर गई, कितनी गर्मी है आज, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं अपने स्टाइल के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। ये बोलकर मोनिका एसी के सामने बैठ जाती है। तभी एकदम से एसी भी बंद हो जाता है। मोनिका जल्दी से एसी ठीक करने के लिए ठीक करने वाले को बुलाती है और वो बताता है कि एसी खराब हो गया है और इसे ठीक होने में कम से कम हफ्ता लगेगा। और ये बात सुनकर मोनिका को और गर्मी से पसीना आने लगता है और वो खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं, ऐसे तो गर्मी से मर जाऊंगी और ऊपर से इस जैकेट में बहुत गर्मी लग रही है, क्या करूं मैं। तभी मोनिका की सास की आवाज आती है जो कहती है, बहू थोड़ी सी चाय बना दे, जरा मन कर रहा है पीने का। इतनी गर्मी में इन्हें चाय पीनी है? हाँ मम्मी जी, लाती हूँ अभी। इतना कहकर मोनिका अपनी सास के लिए चाय बनाने किचन में जाती है और तेज गर्मी ऊपर से जैकेट की वजह से उसे चक्कर आते हैं। वो वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास कमला आती है और अपनी बहू को बेहोश देखकर उसको कमरे में ले जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर मोनिका का चेकअप करता है और मोनिका के होश में आते ही वो डॉक्टर से कहती है, अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे क्या हुआ डॉक्टर? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ज्यादा गर्मी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे हो गया? आमतौर पर शरीर का इतना गर्म होना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और कैसे होता डॉक्टर, हमारी बहू गर्मियों में जैकेट पहनने वाली जो है उसके बिना तो इसका गुजारा ही नहीं होता। यहाँ लोग इतनी गर्मी से बचने के लिए आधे कपड़ों में आ गए हैं और ये है कि पूरी बाजू वाली जैकेट पहनती है, और अब ऐसे में शरीर गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं नहीं माँ जी, अब मैं गर्मियों में जैकेट नहीं पहनूंगी, क्योंकि जैकेट तो सर्दियों में पहनने की चीज है ना, ना कि गर्मियों में पहनने की। और मुझे खुद भी अब समझ आ गया है कि कपड़े मौसम के हिसाब से ही पहनने चाहिए, वरना मौसम उसकी सजा हमें ही देता है। अब मोनिका को इस बात का अफसोस होता है कि जो चीज जिस मौसम में बनी होती है वो उसे उसी में पहननी चाहिए थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।